हेलो 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 दोस्तों कैसे हो आप लोग सो क्वेश्चन ऑफ द डे में आप लोगों का स्वागत है और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही खतरनाक है और इस खतरनाक मंजर को आप सॉल्व कीजिए सबसे पहले तो फिर मुझसे बात कीजिएगा कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश कीजिएगा आपके पास पांच मिनट है सॉल्व करने के लिए पांच मिनट ज्यादा लोगे नहीं आप लोग ठीक है मैं इस क्वेश्चन को करता हूं ये क्वेश्चन दोस्तों दुख की बात है और खुशी की बात भी है इसमें दुख की बात यह है कि ये जेईई मेन दो का क्वेश्चन है ये एनटीए ने हमें दिया खुशी की बात यह कि ऑप्शनल क्वेश्चन था क्योंकि इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या यह आई का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है कैंडिडेट तो लग रहा है लैंग्वेज से ठीक <coughs> है क्या बोल रहा है फॉर के बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट दोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स कॉस टेन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू के और मॉड एक्स जीरो से वन बाई रूट टू है इसके अल्फा और बीटा रूट्स है आई टी एफ टेक ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ये तो वही वाली बात हो गई कि आप किसी शादी में गए हैं और वहां पे बटर रोटी है ऑब्वियसली इफ दी सोल्यून ऑफ दी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और वन बाय्फा स्क्वायर प्लस वन एंड अल्फा बाई बी बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं भी सॉल्व करता हूं तो चेक पॉइंट नंबर वन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि यार देखो साइन इनवर्स एक्स को मैं बेसिकली थीटा मानूंगा और साइन थीटा फिर मेरा एक्स हो जाएगा ठीक है और यहां देखो कॉट और टेन को तो मेरे को काटना आता है राइट तो ये कॉस ऑफ साइन इनवर्स इसको रेसिप्रोकल करना है बस एक्स अपॉन कॉस थीटा हो गया करेक्ट अब x साइन थीटा है तो ये सिंपल सी बात है ये कॉस ऑफ साइन इनवर्स टेन थीटा हो गया राइट? Right? ये चेक पॉइंट है ठीक है अब साइन इनवर्स टेन थीटा ये, अब राइट एंगल ट्राइंगल वाला लॉजिक लगाते, है लगाते हैं अपन राइट एंगल ट्राइंगल वाला लॉजिक लगाते हैं ये टेन थीटा है ये वन है तो ये अंडर रूट ऑफ वन, वन माइनस टेन स्क्वायर होगा तो ये बेसिकली के इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया राइट अब देखो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है क्योंकि हमें टर्म में रखना है मतलब एक्स की टर्म में साइन स्क्वायर ठीक अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर यह वैल्यू यहां पर पटक देते हैं यह पहला चेक पॉइंट हो गया अच्छा वेरी गुड आई लाइक इट अब देखो ऑब्जर्व करना मुझे क्वेश्चन में के स्क्वायर दे रखा है तो चेक पॉइंट नंबर टू यह है कि मैं ये करूंगा के स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अब देखो यह एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट से अल्फा बीटा जिसके दो रूट से अल्फा और बीटा अब क्योंकि इसमें एक्स का कोविश नदारद है एक्स का कोविशंट इसमें नदारद है मतलब नहीं है तो अल्फा प्लस बीटा जीरो हो गया अल्फा बाय बीटा माइनस वन हो गया एक रूट अगली इक्वेशन का अल्फा बीटा है, तो इसका मतलब इसका एक रूट माइनस वन हो गया तो सीधी सी बात है एक रूट पांच होगा तो जो बी है वो फोर आ जाएगा वाह आधा काम तो हो गया अब के स्क्वायर की बात करते हैं के स्क्वायर भाई साहब यहां से निकलेगा क्योंकि दूसरा रूट आपका वन बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर अब आप देखो के स्क्वायर ये है तो वन बाय अल्फा स्क्वायर क्योंकि अल्फा उसका रूट है है ना? मतलब इसको ऐसे लिखेंगे पहले तो इसको इंप्लिसिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा अपने को राइट तो इसको देखो आप क्या करेंगे के स्क्वायर वैसे तो और डिविडेंटो से भी कर सकते हो अपन तो देसी लॉजिक से कर देते हैं देसी तरीके से कर देते हैं के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया ठीक है अब यहां तक ध्यान दे आप राइट राइट यहां तक आप लोग ध्यान दें अब देखिए के स्क्वायर माइनस वन अब सीपी नंबर थ्री चालू होता है चेक पॉइंट नंबर थ्री ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर दोनों इसके रूट है के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस टू होगा वन बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाय बीटा स्क्वायर जो कि फाइव है क्योंकि वो दूसरा रूट है वो हो जाएगा टू टाइम्स के स्क्वायर माइनस टू अपॉन के स्क्वायर माइनस वन तो यहां पे देखो के स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो थ्री के स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो के स्क्वायर की वैल्यू वन बाय थ्री आ गई अब सी पी फोर तो बहुत ईजी होता है आंसर निकालना बी अपॉन के स्क्वायर आपसे पूछा था फोर अपॉन वन बाई थ्री आंसर आएगा ट्वेल्व आंसर आएगा ट्वेल्व तो ये जेई मेन दो हजार बाईस में क्वेश्चन था इसके अंदर देखो क्वाड्रेटिक की थियोरी आ रही है ठीक है अच्छे खासी चीजें आ रही हैं आई टी एफ के प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऑन ऑल एंड ऑल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये ठीक है तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन आंसर इसका ट्वेल्व है ठीक है मेरी वजह से दिख नहीं रहा आपको अगर मैं हट जाऊं थोड़ा सा तो आपको दिखेगा पीछे की तरफ आंसर लिखा हुआ आंसर इसका ट्वेल्व है अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के और क्वेश्चन आप लोग हमारे साथ कर सकें सो कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माई कोड भी जे लाइव थैंक यू